मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रायसेन के तामोट में 1070 करोड़ रुपए की नवीन टेक्सटाइल परियोजना का अनावरण किया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन जिले के गौरगंज तहसील के तामोट स्थित सागर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की नवीन निवेश परियोजना के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर सागर ग्रुप ने 1070 करोड़ का नया निवेश किया है। कार्यक्रम में पधारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सागर ग्रुप के निवेश पर लगातार लोगों को रोजगार मिल रहा है। इस नए निवेश पर ग्रुप को मेरी ओर से बधाई। वहीं डायरेक्टर सिद्धार्थ और सुधीर अग्रवाल ने कहा कि सागर ग्रुप ने मैन्युफैक्चरर्स की शुरुआत तामूर से ही की थी, आगे भी लगातार निवेश को लेकर कार्य किया जाएगा, जिससे यहां के लोगों को लाभ मिल सके। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है सागर ग्रुप के डायरेक्टर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सभी मीडिया के भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। आप यहाँ आए, हम आपके लिए बड़ा धन्यवाद करते हैं। आज हमारे लिए बहुत हर्ष का उत्सव है। आज सागर परिवार के कैंपस में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सारे अतिथिगण पधारे, हमारे लिए इससे अच्छे सौभाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती। सागर ग्रुप ने मैन्युफैक्चरर्स की क्षेत्र में तामोट गांव से शुरुआत करी थी। हम मानते हैं तामोट गांव हम सबके लिए बहुत फल फूल रहा है और हमारे लिए तो बहुत ही शुभ साबित हुआ। हम आने वाले समय पर टेक्सटाइल के क्षेत्र में और 1000 करोड़ रुपए का निवेश तामोट गांव में यहीं इसी धरती पर करेंगे और जिस कैपेसिटी पर आज हैं, जितना रोजगार आज है, इसको डबल करने की कोशिश करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे सारे पूर्वजों और हमारे सारे बड़ों का आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हम हमारे लक्ष्य में सफल हों और देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए खूब अच्छा काम करें। धन्यवाद। नए एक्सटेंशन में 2000 लोगों को काम दे रहे हैं, इसमें लोकल के कितने लोगों को काम दे रहे हैं? साहब अभी जो हमारी कैपेसिटी है लगभग 80% के आसपास, सब आसपास 100 किलोमीटर रेडियस के लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जब तक आसपास के लोग हमें आशीर्वाद देते रहेंगे और काम करते रहेंगे, हमें दूर जाने की जरूरत ही नहीं। कितने लोग काम कर रहे हैं अभी साहब? लगभग यहाँ पे 2500 से 3000 लोग काम कर रहे हैं। साहब हम तो सारे बच्चे बच्चियां मध्य प्रदेश के लेते हैं और आपने जैसा अंदर देखा सब डिजिटल मशीन है। हमारे लिए तो वो आज सब स्मार्टफोन चलाते हैं, तो जो स्मार्टफोन चलाता है वो हमारे लिए स्किल्ड है। हम उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हैं और मध्य प्रदेश के बच्चे शायद ज्यादा होशियार होते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। थैंक यू। आज सागर ग्रुप ने 1070 करोड़ रुपए का नया निवेश रायसेन जिले के तामोट में किया है, जिससे 3000 से अधिक बेटे बेटियों को सीधे रोजगार मिलेगा और लगभग 1500 को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। यहाँ बनाया हुआ जो उत्पाद है वो दुनिया के 20 से ज़्यादा देशों में निर्यात हो रहा है और लगातार रोजगार के अवसर बढ़ाने के काम ये उद्योग कर रहा है। मेरी तरफ से बधाइयाँ।